जय श्री राम। नमस्कार प्रिय साथियों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने ज्योतिष केदार चैनल पर। आज का हमारा विषय है शनि देव का कुंभ राशि पर प्रवेश करने के कारण अन्य राशियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में जानेंगे। वीडियो को लाइक और यदि चैनल पर पहली करें तो इसे सब्सक्राइब करें। प्रिय साथियों जानेंगे, सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि पर शनि की अशुभ नीचे दृष्टि रहने से मानसिक एवं शारीरिक कष्ट रहेगा। आय की अपेक्षा खर्चा अधिक रहेगा। शनि का पाया भी लोहा होने से भाग्य उन्नति में विघ्न बाधाएं रहेंगी। अस्माकत खर्चा बढ़ेगा, परंतु 2 अप्रैल से गुरु की इस राशि में स्थिति होने के कारण संतान संबंधी शुभ समाचार तथा समाज में मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जो 2 अप्रैल को गुरु इस राशि पर गोचर करेगा तब आपको ये फल प्राप्त होगा। प्रिय साथियों बात करते हैं वृक्ष राशि की। वृक्ष राशि के दशम में शनि होने से अत्यंत कठिनाई एवं संघर्ष के बाद निर्वाह योग्य आय के साधन बनेंगे, परंतु पाया ताम्र होने से परिस्थितियों में कुछ सुधार, अस्माकत धन लाभ तथा भूमि भावना सुखों में वृद्धि करेगा। यहाँ पर शनिदेव का पया ताम्र रजत इत्यादि के भी फल यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। प्रिय साथियों साथ में बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि से शनि नमस्त होने से कार्य व्यासना एवं भाग्य उन्नति में अड़चने, स्वास्थ्य संबंधी कष्ट, परिवार में विपरीत स्थितियाँ उत्पन्न होंगी, परिवार मतभेद उभरेगा। इस राशि पर शनि का पया सुवर्ण होने से निकट बंधु से मतभेद पैदा होगा, उत्तरार्ध से कुछ रुके हुए कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। प्रिय साथियों बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि से शनि अष्टमस्थ होने से व्यर्थ की भागदौड़, खर्चा अधिक रहेगा, घरेलू एवं व्यासनाएं उलझने बढ़ेंगी, परंतु शनि का पया चांदी होने से अस्मात धन लाभ पदोन्नति वदेश भ्रम के चांस बनेंगे। प्रिय साथियों बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि पर शनि की सप्तमस्थ शत्रु दृष्टि रहने से मानसिक तनाव, वायुबंधु से मनमुटाव एवं विरोध रहेगा। शनि का पया लोहा होने से स्वास्थ्य में विकार, गुप्त चिंता, घरेलू एवं व्यासन संबंधी उलझने एवं परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। प्रिय साथियों बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि को शनि षष्ठस्थ होने से स्वास्थ्य में कष्ट, निकट बंधु से मनमुटाव, धन हानि, अन्य आवश्यक खर्चा बढ़ेगा, वंतिक कार्यों में अड़चने पैदा होंगी, परंतु इस राशि पर शनि का पया तांबा होने से पद उन्नति, धन लाभ, सुखद विदेश यात्राएं, विवादित सुखों में वृद्धि होगी। प्रिय साथियों बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि से शनि पंचमस्थ होने से निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे, धर्म कर्म की ओर विशेष रुचि बढ़ेगी। इस राशि को शनि का पया रजत होने से धन लाभ, गत क्रियाओं में सफलता, भूमि वाहन परिवार सुखों में वृद्धि होगी, यहाँ पर आपके लिए अच्छा है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि को शनि चतुर्थ होने से शनि का पया अशुभ प्रभाव रहेगा, जिससे धन हानि, व्यर्थ कलह क्लेश की स्थिति उत्पन्न होंगी, खर्चा बढ़ेगा। शनि का पया सुवर्ण होने से घरेलू एवं व्यासन संबंधी उलझने एवं परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि से शनि तृतीय स्थ तथा 12 अप्रैल से गुरु की स्वगृह दृष्टि होने से कुछ सोची हुई योजनाओं में सफलता, भूमि मकान वाहन सुखों में वृद्धि एवं धन खर्चा अधिक होगा। शनि का पया लोहा होने से आया सीमित तथा तनाव रहेगा, कार्य व्यवस्था में विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। प्रिय साथियों बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि को शनि 7.5 के कारण कार्य व्यवस्था में अड़चने तथा आया कम, खर्चा अधिक करेगा। शनि का पया सुवर्ण होने से धन लाभ एवं उन्नति के लिए विशेष संघर्ष करना पड़ेगा, मन अशांत एवं तनावपूर्ण हालात रहेंगे। प्रिय साथियों बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि से शनि स्वराशिगत गोचर संचार करने से पया ताम्र होने से आपको नए कार्य की योजना बनेगी, गत क्रिया में सफलता प्राप्त होगी, कारोबार में सफलता प्राप्त होगी, परंतु शारसती होने से मानसिक तनाव, घरेलू उलझने एवं खर्चा अधिक रहेगा। प्रिय साथियों बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि को शनि द्वादश होने से आया कम, खर्चा अधिक, घरेलू एवं व्यासना में उलझने बढ़ेंगी, स्त्री एवं पति से
तनावपूर्ण संबंध बनेंगे, मन मुटाव का योग बनेगा। 22 अप्रैल तक गुरु का संचार इस राशि पर रहने से धर्म में प्रवृत्ति तथा लाभ उन्नति के आपको अवसर प्राप्त होंगे। प्रिय साथियों, जिन भी राशि पर शनि की सारस्वती है या शनि का अशुभ प्रभाव मिल रहा है, उनके लिए आपको एक बेस्ट उपाय बता रहे हैं। आपको शनि का वृक्ष जो आग का सफ़ेद मंदार का भी बोलते हैं, इसे आग भी बोलते हैं, इस वृक्ष के नीचे आपने इसकी जड़ में सरसों का तेल अर्पित करना है। शनिवार के दिन इसके नीचे आपको दीपक जलाना है और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना है। सुबह कच्ची लस्सी में काले तिल डालकर जड़ में अर्पित करने से शनि ग्रह का जो आपको अशुभ प्रभाव है, सारस्वती का अशुभ प्रभाव है, या लोहा रजस ताम्र होने का कारण अशुभ प्रभाव है, या आपके षष्ठस्थ होने से शुभ प्रभाव है, या मार्गशीर्ष होने से आपको शुभ प्रभाव मिल रहा है, उन सब के दोषों की शांति की निवृत्ति के लिए आपको ये उपाय सबसे बेस्ट रहेंगे। प्रिय साथियों, आपका समय शुभ रहे। नमस्कार।